पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर देने आए छात्रों ने कहा, सेंटर बहुत दूर होने से हो रही है परेशानी। पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं। आज हरियाणा के सभी जिलों में हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा कराई जा रही है। पानीपत में भी 30 सेंटरों पर छात्र परीक्षा के लिए पहुँचे और जब पेपर देने के बाद सेंटर से बाहर आए हिसार के युवक ने बताया कि सेंटर काफी दूर होने के कारण बच्चों को एक दिन पहले आना पड़ रहा है, जिस वजह से बच्चों को रुकने में काफी परेशानी आ रही है। दूसरा, पेपर में ऐसे प्रश्न आए हुए थे जिसका पेपर से कोई मतलब ही नहीं है, पेपर का कोई पैटर्न ही नहीं था, बिना सिर पैर वाले प्रश्न पूछ रखे थे। भैया मैं हिसार से आया हूँ। सबसे पहले तो जो रोल नंबर है और जो सेंटर है हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दूर दूर दे रखे हैं। इन्होंने लगभग मेरे हिसार से यहाँ पे 170 या 160 किलोमीटर जितना पड़ रहा है, दूर पड़ रहा है, तो मतलब बच्चों को बड़ी तकलीफ हो रही है। और एक इन्होंने शिफ्ट मॉर्निंग की कर दी, 9:30 से 10:30 तक पेपर कर दिया, तो उसकी वजह से भी मतलब बच्चों को एक दिन पहले आना पड़ रहा है। और रुकने की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, आने की समस्या है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं। और अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर मैं कह सकता हूँ कि बिना सिर पैर का पेपर था, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं है, कोई मतलब आप क्या ही पढ़ सकते हो, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। एक क्वेश्चन था कि कोई MLA या MP है शायद, उसके पिताजी मर गए तो उनका नाम क्या था? यार उनके पिताजी मरे हैं, उनसे हमें क्या मतलब है ये बताओ। आप कोई ज्योग्राफी का पूछो, पॉलिटी का पूछो, हिस्ट्री का पूछो, समझ भी आता है। ये बिना सिर पैर के क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री अटल जी से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम एक पैटर्न बनाएं और पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लें बच्चों का, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम देने में अच्छा लगे।